वेलकम टू मूवीज अड्डा एंड दिस इज योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोलगामा। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की एक और रिलीज फिल्म दो सक की। हर हफ्ते हम नई फिल्मों की रिलीज देखते हैं और उनमें से अधिकतर पॉपुलर हिंदी फिल्में होती है, लेकिन उसके साथ साथ कई अलग तरह की फिल्में भी होती है, जैसे कि नॉन स्टारर फिल्म, डब फिल्म, स्मॉल फिल्म विद लेस नोन एक्टर्स, या कि वो रेगुलर बी ग्रेड या कि सी ग्रेड टाइप की फिल्में जो भी साथ साथ में रिलीज होती है। अब इनके साथ कभी कभी कुछ इंडिपेंडेंट फिल्में भी रिलीज होती है जो कि जानी जाती है एज फेस्टिवल फिल्म्स। ये फिल्में खास तौर पे फिल्म फेस्टिवल्स के लिए बनाई गई होती है विदाउट द सपोर्ट ऑफ बिग बैनर और एक्टर्स, नॉर डज इट हैव द मींस फॉर प्रॉपर रिलीज। ओनली सेलिंग फैक्टर दे हैव इज अ यूनिक स्क्रिप्ट एंड द लॉरल्स अटैच्ड टू इट ड्यू टू द पार्टिसिपेशन इन वेरियस फिल्म फेस्टिवल्स। अब दूरदर्शन के दिनों में ऐसी फिल्मों में से अधिकतर फिल्में टीवी पे दिखाई जाती थी क्योंकि उन्हें प्रॉपर रिलीज नहीं मिलता था, लेकिन मल्टीप्लेक्स एरा के आते ही चीजें बदलने लगी और बदलते वक्त में ऐसी फिल्मों को प्रॉपर सिनेमैटिक रिलीज भी मिला। दोजक भी एक ऐसी फिल्म लग रही है जो कि कई फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई थी और अब 2 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद फाइनली उसे प्रॉपर रिलीज मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या दोजक विल लिव अप टू द लॉरल्स एंड अप्रिसिएशन अटैच्ड टू इट, या कि ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जिसे फिल्म फेस्टिवल्स में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है लेकिन उसके बाद एक्सपेक्टेशन लेवल पे खरी नहीं उतर पाई। दोजक फिल्म की कहानी एक मुस्लिम बच्चे जानू यानी कि गैरिक चौधरी की और उनके पापा मौलवी साहब यानी कि ललित मोहन तिवारी। जानू को रामलीला देखने का बड़ा शौक होता है और पंडित जी यानी कि नजीम खान से वो सब सीख भी लेता है। मौलवी साहब को ये अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उस पर गुस्सा हो जाते हैं। अब अपनी अम्मी की मौत के बाद जानू अपनी मम्मी को काफी मिस करने लगते हैं और एक दिन अचानक से गायब हो जाते हैं। मौलवी साहब निकल पड़ते हैं उसकी तलाश में और इसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। वैसे फिल्म की कहानी आधारित है एक बुक से जो कि लिखी गई है दोजक फिल्म के डायरेक्टर द्वारा ही एंड हैज अ यूनिक टेल टू ऑफर। फिल्म को काफी आर्टिस्टिक तरीके से शूट किया गया है विद लॉट्स ऑफ फ्लैशबैक सीन्स अटैच्ड टू इट। गैरिक के जितने भी सीन्स हैं सारे कमाल के हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स भी काफी हार्ड हिटिंग एंड अनइमेजिनेबल है। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्टोरी नरेशन काफी स्लो है एंड टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम इन एस्टैब्लिशिंग द मेन प्लॉट। अब ये सब परफेक्ट है फिल्म फेस्टिवल के लिए, लेकिन नॉर्मल सिनेमा गोयर्स माइट फाइंड टफ टू डाइजेस्ट। स्लो शॉट्स अलॉन्ग विद मल्टीपल फ्लैशबैक सीन्स एंड द होल आर्टिस्टिक ट्रीटमेंट डाइल्यूट्स द फ्लो ऑफ द फिल्म। ऑल्सो द साउंड इज नॉट प्रॉपरली सिंक्ड एंड डज एट टाइम्स इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड द डायलॉग। There are few abrupt scenes which seemed like bad result of confused script. Lekin wahi cinematography is superb and the location of Varanasi are brilliantly visible in the film. Director Zegam Iman ek alag kahani darshane ki koshish karte hai jahan par ek chhota bachcha dono dharmon se pyar karne lagta hai. Film ko achhi artistic tarike se banaya gaya hai lekin thodi aur detailing honi chahiye thi. Haan, jinhe slow aur artistic type ki filmein pasand hai wo sab ko dozak se pyar ho jayega aur baki ke logo ke liye hazam karna kafi mushkil rahega. Ab performance ki baat करें तो गैरिक चौधरी काफी स्वीट एंड चार्मिंग है। His real life innocence adds up life to his real character. ललित मोहन तिवारी कमाल के हैं और अपनी भूमिका काफी खूबी से निभाते हैं। इसके अलावा नजीम खान कुछ खास नहीं है। रूबी सैनी और पवन तिवारी were fine in their part. So, बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? दम? Well, it's a treat for all those who love artistic type of films and will cherish the unique theme attached to it. काश फिल्म की राइटिंग थोड़ी बेहतरीन होती तो शायद the movie might have found a wider audience. On the overall basis, it's a noble intended heart-wrenching film which will cater only to its targeted audience. और जैसे कि आप जानते हो कि इंडिपेंडेंट फिल्मों के हम आर्डेंट सपोर्टर हैं और इसीलिए इस फिल्म को भी 1 स्टार एक्स्ट्रा देते हुए 3 stars out of 5 की रेटिंग्स देता हूँ। तो फुल फ्लेज रिव्यू ऑफ दिस मूवी एंड मेनी मोर बाय योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोलगामा, लॉग ऑन टू मूवीज अड्डा।